स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें दोस्तों आइए जान लेते हैं। सबसे पहले है बिना वर्कआउट कसरत या काम किए हुए अगर आपको काफी पसीना आता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी महसूस होती है तो आप सावधान हो जाइए। ऐसा तब होता है जब हार्ट खून को ठीक से पंप करने में असमर्थ होता है। आपको तुरंत अपने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर दो, यदि आपकी आंखों के नीचे हल्के घेरे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। नंबर तीन, मैग्नीशियम की कमी का सबसे साफ संकेत है नसों का चढ़ना, टांग या पैरों की पिंडलियों में मरोड़े पड़ना। नंबर चार, दही पेट के लिए अमृत है। दही आंतों और पेट की गर्मी दूर करता है और पाचन तंत्र को सबल बनाता है। नंबर पाँच, सुबह चाय के बदले नारियल पानी में नींबू का रस निचोड़कर पीने से शरीर की सारी गर्मी मूत्र एवं मल के साथ निकल जाती है और रक्त शुद्ध हो जाता है। नंबर छः, जब भी आप दुखी हो या टेंशन में हो उस वक्त अपनी माँ से बात करें। माँ की आवाज हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल को रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा हो जाता है। नंबर सात, टीवी देखते हुए या फोन पर बात करते समय कभी भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नंबर आठ, सर्दियों में बच्चे को बड़े भारी कंबल देने की बजाय सोते हुए गर्म कपड़े पहनाएं ताकि वो अच्छे से सांस ले सके और मूवमेंट कर सके। नंबर नौ, रस्सी कूदने से आपको मानसिक विकास होता है और वह आपके फोकस करने की क्षमता को भी दिखाता है। स्किपिंग करने से आपकी याददाश्त में भी सुधार होता है। नंबर दस, बेकिंग सोडा को गुलाब जल में घोलकर लगाने से डेड स्किन निकल जाती है और रंग गोरा होने लगता है। नंबर ग्यारह, हफ्ते में एक बार बड़ी इलायची खाने से कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती। सर्दी खांसी में भी इसे खाने से आप फिट रहेंगे। नंबर बारह, एक चम्मच शहद में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटने से सर्दी खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। नंबर तेरह, नारियल तेल में ताजे आंवले को इतना उबालें कि वह काला हो जाए। इस मिश्रण को ठंडा करके रात को सोने से पहले बालों में लगा लें। सुबह बाल धोएं, कुछ ही दिनों में आपके बाल काले, लंबे और घने होने लगेंगे। नंबर चौदह, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को वह घर में घर घर डॉक्टर या फिर कुछ भी इमेजिनरी गेम्स खेलते हैं। उन्हें ऐसा करने दें क्योंकि वह उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं और उन्हें क्रिएटिव भी बनाते हैं। नंबर पंद्रह, गुस्सा करना आपके लीवर को कमजोर बनाता है तो गुस्सा ना करें फ्रेंड्स और अपने लीवर को मजबूत रखें। सोलह, अगर आपको हल्का लाल रंग का पेशाब आता है तो आपको निमोनिया हो सकता है, आपको चेकअप कराना चाहिए। नंबर सत्रह, शकरकंद विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यह विटामिन दांतों, हड्डियों, त्वचा और नसों की ग्रोथ व मजबूती के लिए आवश्यक होता है। अठारह, अलसी के पत्ते और सूखे धनिये का काढ़ा बनाकर पीने से हृदय की कमजोरी मिटने लगती है। नंबर उन्नीस, शहद में मुलट्ठी का चूर्ण मिलाकर इसका लेप मुंह के छालों पर करें और लार को मुंह से बाहर टपकाएं, आपको फायदा होगा। बीस, ताज़ा कटा हुआ अनानास लें और उसे मसों पर लगाएं, इससे आपको जल्द राहत मिलेगी, आपके मस्से समाप्त होने लगेंगे। 21, दमे में खांसी होने पर पहाड़ी नमक सरसों के तेल में मिलाकर छाती पर मालिश करें, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। 22 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, हल्दी को दर्द निवारक माना गया है। बदन दर्द में हल्दी चूर्ण को दूध के साथ लेने पर शीघ्र ही आराम मिलता है। 23, रविवार को अदरक, टमाटर, लाल रंग के कपड़े गुस्सा अधिक बढ़ाते हैं, अतः इनका कम से कम प्रयोग करें। 24, पुदीने के रस को लेने से भी उल्टी में लाभ होता है। 25, पेट की गैस के घरेलू उपचार के लिए खाने के बाद घुटने मोड़कर बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, 5 से 15 मिनट तक आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं, इसको वज्रासन बोलते हैं। 26, ज्यादा ठंडा पानी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हमें हमेशा मटके का पानी ही पीना चाहिए। 27, कच्चा एलोवेरा खाने से शरीर को ताकत और त्वचा पर निखार आता है। 28, अमरूद का रात को सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। 29 नंबर देखते हैं, तकिया के बिना सोने से कमर दर्द नहीं होता और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होने लगती है। 30, रोजाना एक चम्मच अलसी का सेवन आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सहायक होता है।
इसे पीसकर पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। 31. सप्ताह में 1 से 2 बार तेल लगाकर सर की मालिश जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सर की कोशिकाओं में रक्त संचार बढ़ता है और तनाव भी दूर होने लगता है। 32. 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिला लें। इसका सेवन करने से आपको गले के हर इन्फेक्शन से राहत मिलेगी। 33. खड़े होकर पानी पीना नहीं चाहिए। पानी हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके सिप सिप करके ही पीना चाहिए। 34. जो लोग जल्दी जल्दी चलते हैं उनका शरीर कभी भी ढीला नहीं पड़ता। 35. चावल खाने के बाद थोड़ा सा नींबू का अचार खा लें, इससे आपको गैस की दिक्कत नहीं हो। नंबर 38. दिन में भोजन के बाद मट्ठा और रात्रि के भोजन के कुछ देर बाद आपको थोड़ा सा गरम गरम दूध जरूर पीना चाहिए। यह आपको काफी सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। 39. अगर आपको कब्ज की काफी दिक्कत है तो आप रोजाना पपीता खाया करें, कब्ज धीरे धीरे कम होने लगेगी। 40. अगर पेट में दर्द हो तो मेथी दाना को थोड़ा सा भून लें, फिर पीस कर उसका पाउडर बना लें, हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, इससे आपको पेट दर्द में काफी आराम मिलेगा। 41. अगर दूध जल्दी से आपको हजम नहीं होता है, या फिर छोटे बच्चों की भी अगर हम बात करें, अगर उन्हें दूध हजम नहीं होता है तो आप क्या करें, जब उसको बॉयल करें उसमें थोड़ी सी सौंफ मिला दें। 42. चमेली के 10 से 15 फूलों को पीसकर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की चमक बढ़ने लगती है। 43. मुंह में पानी भरकर नहाने से आपको कभी भी कानों की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 44. पेट फूलने जैसी समस्या से परेशान है तो गर्म पानी पीने से आपको बहुत ज्यादा आराम मिल सकता है। 45. दिल और दिमाग दोनों के लिए खजूर काफी फायदेमंद है, तो दोस्तों अपनी डाइट में खजूर को जरूर शामिल करें। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही जानकारी, आशा है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा कैनवर्धक वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।